हेलो प्रिय दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आशीष चेगना में। तो दोस्तों, बात करते हैं। कल हमने टॉपिक आपके लिए था क्लासिकल थ्योरी ऑफ नॉर्मल ज़ीमेन इफेक्ट के बारे में। आपके सामने हमने पूरे लाइव वीडियो के माध्यम से आपके सामने दिया था। तो दोस्तों, आज इस लाइव सेशनी क्लास में आपके सामने हम दे रहे हैं क्वांटम थ्योरी ऑफ नॉर्मल ज़ीमेन इफेक्ट आपके सामने दे रहे हैं। तो दोस्तों, आपके सामने एटॉमिक एंड मॉलिकुलर फिजिक्स की आपके सामने दोस्तों बात हो रही थी। तो दोस्तों, आपके सामने उसी के टॉपिक को हम आगे लेके जाते हैं और आज आपके सामने ये पूरा का पूरा डेरिवेशन आपको समझाते हैं कि आपने पेपर के अंदर क्या लिख के आना है। तो दोस्तों, जिससे आपके पूरे नंबर मिल सकें। तो बात करते हैं, जो हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नीचे जो आपको बेल आइकन वाला बटन दिख रहा है उसको प्रेस कर लें ताकि वीडियो की हर अपडेट आप तक तुरंत ऑटोमेटिक पहुंच सके। तो चलते हैं, टॉपिक को समझाते हैं पूरा। तो बात करते हैं, आपके सामने आपने क्या लिख के आना है पेपर के अंदर जिससे आपके एक भी नंबर न कटे। तो बात करते हैं, आपके सामने क्वांटम थ्योरी ऑफ नॉर्मल ज़ीमेन इफेक्ट आपका टॉपिक है। इन एन एटम, किसी भी एटम के अंदर ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ऑर्बिट की तरह घूमते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के आपके सामने क्या होते हैं, ये न्यूट्रॉन आपके सामने यहाँ पे न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में क्या होते हैं, हमेशा पॉजिटिव चार्ज रहते हैं। इज इक्विवेलेंट टू ए करंट लूप, ये आपके सामने क्या होते हैं, एक करंट लूप के थ्रू आपके सामने ऑर्बिट के थ्रू घूमते हैं। एंड द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द करंट लूप इज, उसके तहत जो आपके सामने मैग्नेटिक मोमेंट आता है वो इक्वेशन क्या आती है आपके सामने, म्यू एल इज इक्वल टू माइनस का ई बटे में टू एम इंटू एल। अब आपके सामने ये आपके सामने आया होगा कि माइनस का साइन ही आपने क्यों लगाया, तो उसको भी हम यहाँ से एक्सप्लेन करते हैं आपके सामने। इसको नाम दे दें इक्वेशन संख्या फर्स्ट, नाम दे दें इसको। और जो ये नेगेटिव साइन लगा है आपके सामने, नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है, किसको इंडिकेट करता है, डायरेक्शन ऑफ म्यू एल इज अपोजिट, किसके अपोजिट है, एल के अपोजिट है आपके पास। ये आप इसका डायग्राम बना के आना है, ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है और ये आपके पास म्यू एल है, यहाँ पे एंगल थीटा है। तो दोस्तों, आपके सामने इसके और इसके बीच में ये एंगल थीटा बन रहा है आपके सामने। फिर उसके बाद आपने क्या लिखना है, व्हेन मैग्नेटिक फील्ड बी, जब आप क्या करते हो, मैग्नेटिक फील्ड बी इज अप्लाई टू द डाइपोल, डाइपोल मतलब दो पोल होते हैं उसके अंदर, देन द टॉर्क, टॉर्क का मतलब आपको पता है क्या होता है, आर क्रॉस एफ होता है आपके सामने, एक्टिंग ऑन ए गिवन बाई, उसके अकॉर्डिंग आपके पास टॉर्क की वैल्यू क्या होती है, टॉर्क की नोटेशन टाउ होते हैं, इज इक्वल टू म्यू एल आपके सामने ये आया था, क्रॉस में आपके सामने बी, दोनों की बात कर रहे हैं। क्रॉस में आपके सामने आप खोलते हैं ए क्रॉस बी की, आपके सामने जो साइन थीटा में आता है, ए डॉट बी आपके सामने कॉस थीटा में आता है। तो आपने इसके प्रोडक्ट को जब आप सोल्व करोगे तो आपके सामने क्या मिलेगा, यहाँ से इसके प्रोडक्ट आपने कर दी और साइन थीटा हमेशा क्रॉस में आता है, आपने इसके आगे ये स्टेप लिख दिया। यहां तक कि कोई बात में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख सकते हैं। अब बात करते हैं उससे आगे, यहां तक की बात आपने नोट कर ली होगी। अब बात करते हैं इससे आगे, तो पोटेंशियल एनर्जी गेन बाय द डाइपोल, तो आपको पता है एनर्जी दो प्रकार की होती है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल का मतलब होता है स्थितिज ऊर्जा। तो आपके सामने यहाँ पे डाइपोल है जहां पे थीटा की वैल्यू आपके पास यहाँ पे क्या है, पाई बाई टू, तो पाई बाई टू आपके पास ब्रैकेट में आप यहाँ पे लिखें मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, तो पाई बाई टू मतलब 90 डिग्री, तो एंगल आपके पास यहाँ पे क्या लिया है थीटा, आपके पास थीटा ही मानना है, इज गिवन बाय, उसके तहत आपके पास क्या आएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे वी ऑफ एम इज इक्वल टू, अब यहाँ पे इंटीग्रेशन आप लगाओगे तो आपके सामने पाई बाई टू से लेके थीटा लगाओगे, आपके पास यहाँ पे टाउ इंटू में डेल्टा है आपके सामने। अब बात करते हैं टाउ की क्या वैल्यू, आपके सामने टाउ की ऊपर से ये वैल्यू आई ही यहाँ पे पुट कर दी,
जो आपके पास कॉन्सेंट्रम है उसको मैंने बाहर निकाल लिया और इंटीग्रेशन आपके सामने एज इट इज है, पाई बाय टू से थीटा। यहाँ पे आपके सामने क्या है, साइन थीटा आपके सामने बता था, साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब आपको पता है इंटीग्रेशन में साइन थीटा आपके सामने क्या होता है, तो दोस्तों इसके वी एम आपके सामने एज इट इज है यहाँ पे इज इक्वल टू। अब साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस का कोस होता है दोस्तों। अब माइनस साइन यहाँ पे लगा दिया, ये वाई टर्म आपके सामने ये एज इट इज है कोस थीटा, और आपके सामने जो लिमिट लग रही थी पाई बाय टू से लेके थीटा आपके सामने लग रही थी, आपके सामने यहाँ से वी एम इज इक्वल टू, जब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आपने लगाया तो आपके सामने इक्वेशन नंबर सेकंड ये आ गई है। आप यहां तक की बात नोट करिए, पॉज करिए। अब आपके सामने इक्वेशन नंबर फर्स्ट का हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपके सामने थी म्यू एल इज इक्वल टू माइनस का ए बटे टू एम इंटू एल आपके पास, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू यहाँ पे इसके जगह क्या कर देंगे, यूज कर देंगे। जैसे आपने यहाँ पे ये वैल्यू पुट की तो आपके सामने वी एम तो आपके सामने है ही, माइनस का क्या हो गया, प्लस हो गया, और आपके सामने ए बी एल बटे टू एम कोस थीटा आपके सामने आ गया, जिसको आपने नाम दे दिया इक्वेशन संख्या थ्री, आपने इसको नाम दे दिया है। अब आप जानते हैं ब्रैकेट में आपके पास यहाँ पे लिख दी एल इज इक्वल टू रूट ऑफ एल इंटू एल प्लस में वन ए, एच कट होता है, और कोस थीटा इसमें होता है एम एल रूट ऑफ एल इंटू ये एल इंटू एल प्लस में वन, ये ब्रैकेट बंद है, ये रूट में आपके पास है। तो दोस्तों यहाँ पे आप क्या कर लें, ब्रैकेट को बंद कर लें। अब बात करते हैं एल की जगह और कोस थीटा की जगह, इसमें दोनों की दोनों वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। जैसे आपने दोनों वैल्यू ये यहाँ पे पुट की तो आपके सामने यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन थ्री, तो इक्वेशन थ्री को आप कैसे लिखेंगे, दोनों वैल्यू आपने यहाँ से देखो पुट कर दी, एल की जगह ये रख दी, कोस थीटा की जगह यहाँ पे रख दी, तो आपके सामने ये वाली क्वांटिटी जब आप सोल्व करेंगे तो आपके सामने एम एल इंटू में ई एच कट बटे में टू एम इंटू बी आपके मिलेगा। अब बात कर रहे हैं आपके सामने एज वी नो दैट, आप जानते हैं बोर मैरिटोनियन आपके अकॉर्डिंग क्या होता है, ई एच कट इंटू टू एम जो मैंने पहले ही ब्रैकेट के अंदर लिखा है, इसको नाम दे दिया म्यू बी, आपने इसको नाम दे दिया वो ब्रैकेट में लिख दिया वन बोर मैरिटोनियन। तो दोस्तों यहां तक की बात नोट करिए, पॉज करिए। आप बिना देरी के स्टार्ट करते हैं, आपके सामने जैसे आपके सामने क्या है वी एम की बात कर रहे हैं, तो दोस्तों आपके सामने जो ये केस हम जो लेके चल रहे थे, ये वाला जो केस लेके चल रहे थे ये, तो ये आपके पास नो मैग्नेटिक फील्ड जब आप अप्लाई नहीं कर रहे हो उस केस में आपके सामने ये है। अब आपके सामने ये वाली क्वेश्चन आपके सामने, जैसे आपने बोर मैग्नेटोनियन की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी तो आपके सामने ये वाली क्वेश्चन आई, जिसको आपने नाम दे दिया इक्वेशन संख्या फोर, आपने नाम दे दिया। अब फ्रीक्वेंसी ऑफ इमिटेड स्पेक्ट्रल लाइन आपके पास क्या होती है, वी नोट इज इक्वल टू ई नोट आई माइनस ई नोट एफ बटे में एच ए। तो दोस्तों यहां से आपके सामने मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे दिया, इसको इक्वेशन नंबर पांच दे दो, और ये क्वांटिटी आपके सामने यहाँ पे होती है इनिशियल लोअर एनर्जी स्टेट, और एफ वाली होती है फाइनल लोअर एनर्जी स्टेट। अब बात करते हैं इसके आगे, तो इफ जब आपने मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई किया, इसमें मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई नहीं किया, जब आपके सामने ये आई आप इसमें लिख भी सकते हैं यहाँ पे, और आपके सामने यहाँ पे क्या है मैग्नेटिक फील्ड को जब आप अप्लाई करवा रहे हैं तो टोटल आपके पास जो एनर्जी होती है वो E इज इक्वल टू ई नोट प्लस में वी एम होती है। तो दोस्तों वी एम की वैल्यू आपके सामने यहाँ पे आ चुकी है, इसकी वैल्यू यहाँ पे वी एम की जगह यूज करेंगे, और आपके सामने दोस्तों ये वाली बात आ चुकी है। अब इसके अकॉर्डिंग और इसके अकॉर्डिंग आपके सामने एनर्जी को लिखेंगे, तो हमने ये एनर्जी की फॉर्म आपने लिख दी है। अब बात करते हैं इसके आगे, नाउ इफ इलेक्ट्रॉन जंप, जब आपके सामने क्या करता है इलेक्ट्रॉन जंप करता है फ्रॉम हायर एनर्जी स्टेट से आपके पास लेवल से आपके सामने लोअर एनर्जी स्टेट पे करता है, तो आपके सामने फ्रीक्वेंसी क्या होती है, तो फ्रीक्वेंसी आपके सामने ये लिखेंगे ए आई माइनस में ई एफ बटे में एच, दोनों की दोनों वैल्यू आपने यहाँ पे पुट कर दी, पुट करने के बाद आपके सामने ये आ गया। अब बात करते हैं इक्वेशन नंबर जो फाइव आपके सामने दोस्तों ये थी, तो यहां से आपके सामने दोनों वैल्यू पुट करने के बाद इक्वेशन नंबर पांच को आप
इसी फॉर्म में दोस्तों ऐसे लिखेंगे इसको। तो ये बी म्यू बी की वैल्यू ये ई एच कट बटे में 2m होती है। यहां तक की बात आप नोट करिए, पॉज करिए, फिर दो स्टेप आपके सामने रह गए हैं वो भी हम करवाएंगे। अब बात करते हैं इसके आगे। इससे अगला स्टेप आप देखिए, जैसे ही आप इसमें म्यू बी की वैल्यू ये पुट करेंगे यहाँ पे, तो आपके सामने क्या मिलेगा, ये लेफ्ट हैंड साइड आपके सामने वी नोट प्लस में डेल्टा एम एल, और जैसे ही आपने ये वैल्यू पुट की एच कट बटे में 2m इंटू में बी, आपके सामने एज इट इज है इसकी वैल्यू आपने यहाँ पे पुट कर दी है। अब आप जानते हैं क्या जानते हैं, एज वी नो दैट आप लिखेंगे एच कट इज इक्वल टू एच बटे में 2π होता है, आप ये क्वांटिटी जानते हैं। तो दोस्तों जानते हैं तो आपके सामने क्या आएगा, तो यहां से जैसे ही आप ये वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, तो आपके सामने क्या मिलेगा, तो आपके सामने ये वाली बात आपके सामने मिलेगी। जैसे ही आप ये पुट करेंगे 2 × 2 आपके सामने 4 हो जाएगी। यहां तक ये बात नोट करिए, पॉज करिए। अब इसमें अलोड ट्रांजिशन का सिलेक्शन रूल आपके सामने होता है। अलोड ट्रांजिशन का सिलेक्शन रूल, तो दोस्तों आपके सामने आज हमने बताया पूरा का पूरा समझाया, आपने यहाँ तक की बात आपने करके आनी है पेपर के अंदर। तो दोस्तों आपके सामने बीएससी और एमएससी दोनों में काम आता है ये टॉपिक है। आज हमने समझाया क्वांटम थ्योरी ऑफ नॉर्मल जीमेन इफेक्ट के बारे में, आपको बताया पूरा हर स्टेप के दोस्तों जानकारी दी। तो दोस्तों आपके वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए, और अपने जो नोट्स हैं आप बनाते रहिए। तो दोस्तों आपके सामने आज बहुत ही बड़ी अपडेट हम लेके आए थे। कल आपने इसका जो क्लासिकल का प्रूफ देखा था, आज आपके सामने हमने बताया क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग नॉर्मल जीमेन इफेक्ट, और जीमेन इफेक्ट और उसके टाइप भी आपको मैंने बता दिए थे। प्रीवियस वीडियो आप चेक कर लेना, और दोस्तों जैसे आप प्रीवियस वीडियो नहीं भी चेक करो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप देख लेना, वहां से आपको मिल जाएगी। आप किसी प्रकार की टेंशन न ले, अपनी पढ़ाई को रेगुलर वैसे करते रहिए, अपने घर पे रहिए, हाथों को सैनिटाइजर करते रहिए। आज के लिए ये आपके लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।